नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। यह जो आप बस्ती देख रहे हैं खूबसूरत, यह उत्तर प्रदेश की झांसी की पाल कॉलोनी है। यह कॉलोनी का बाहर का हिस्सा है। यहाँ खूबसूरत बाजार आपको दिखाई दे रहा होगा। ये कॉलोनी की रेलवे क्रॉसिंग है और हम आपको क्रॉसिंग के उस तरफ लेकर चलते हैं। क्रॉसिंग के बाद यहाँ से भी इसका अंदरूनी हिस्सा है और ये भी अंदर की तरफ जाने वाला मार्ग है। ये आ रहे हैं गौतम बुद्ध नगर है। ये देख सकते हैं लिखा हुआ है गौतम बुद्ध नगर। पाल कॉलोनी से जब रेलवे क्रॉसिंग पार करते हैं तो आपको ये गौतम बुद्ध नगर दिखाई देता है, जहाँ इस समय मकानों की संख्या तो कम जरूर होगी। आपको यहाँ से ये जो बिल्डिंगें देख रहे हैं ये पाल कॉलोनी की नज़र आ रही हैं। अंदर पूरा काफ़ी बड़ा पाल कॉलोनी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ अच्छी जो है वो आपको यहाँ खेती किसानी नज़र आ जाएगी मकानों के साथ। और यह अंदर जाने वाला मार्ग है। यहाँ अंदरूनी हिस्से में अभी आपको मकान बनते हुए नज़र आ जाएंगे। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि इसको बंदा बोलते हैं, बंदा का इलाका, चूँकि पहुज नदी आगे आ जाती है तो उसके बाद फिर यहाँ यह बंदा का इलाका है। ट्रेनों की गूंज और दूर से आपको ये दिखाई देते नवनिर्मित मकान, बकरियों की मिमहाट, पक्षियों की चहचहाट, ये सब कुछ दिखाई दे जाएगी। हरियाली भरे खूबसूरत नज़ारे, गांव जैसी पगडंडी, हालांकि पक्की सड़क है तो ये शहर में गांव का मिश्रण किस प्रकार दिखाई देता है ये देख सकते हैं आप। ये अंदरूनी हिस्से के मकान हैं, अंदर जाने के रास्ते हैं। शहर झांसी है, आपको बहुत दूर दूर तक बसा नज़र आ जाएगा। हम बहुत दूर दूर भागते हैं, दिखाते हैं कि कहां कहां झांसी का विकास हो रहा है, झांसी अब कैसी नज़र आने लगी है। हालांकि अंदरूनी हिस्सों में जैसा कि अमूनन होता है, सड़कें मुख्य मार्ग से फिर अंदर की गायब हो जाती हैं। कैसा अंदर सड़कें नहीं है कहाँ तक, तो ये बंदा वाला मार्ग है, जैसा कि गौतम बुद्ध नगर लिख दिया गया था लोगों का कहना है। लेकिन ये बंदा वाला मार्ग है और जो पहुज बांध है उस तक यह मार्ग जाता है। कहा बेटा पहुज बांध तक जाता है। और यहाँ पर बुंदेलखंड फार्मेसी की ये आप बिल्डिंग भी देख रहे होंगे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन लिखा हुआ है। हालांकि यह इलाका अभी ज़्यादा विकसित नहीं है। ये खेत भी नज़र आएंगे और मकान भी नज़र आएंगे। यही तो बदलाव का दृश्य होता है जब शहर और गांव मिलने लगते हैं, तो ये बंदा की बस्ती नई डेवलप होती बस्ती देखिएगा आप। हम आपको कोशिश करते हैं कि बंदा तक ले सकें क्योंकि दूर भी बताया जा रहा है इलाका, लेकिन बहुत गांव की जो फीलिंग है वो यहां पर आपको आ जाएगी। झांसी स्मार्ट सिटी में गांव देखना हो तो थोड़े दूर के इलाकों में आना पड़ता है। ये देख सकते हैं खपरेल वाले मकान, अब तो इनकी ऐतिहासिक वैल्यू टाइप में कह सकते हैं कि ये मकान तो अब दिखते नहीं है खपरेल वाले, क्योंकि जो आधुनिक निर्माण होता है उसमें खपरेल का कोई रोल नहीं रह गया है। ये गांव के खेत जहां हरी हरी सब्जियां, और यह पगडंडी नहीं कह सकते इसको हम, लेकिन गांव के जानवर की झलक और इस ग्रामीण परिवेश में रहना तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आजकल के जो दौर में युवा है वह ऐसे दूर इलाकों में रहना कतई पसंद नहीं करते हैं। तो ये
गांव है, लेकिन धीरे धीरे करके अपने आप को नए स्वरूप में ला रहा है। यहाँ जानवर, बच्चे, बदलते शहर झांसी का यह अंदरूनी हिस्सा है। यहाँ पर स्कूल भी है, हसापुरी कृषि फार्म। नाम वीरेंद्र कुशवाहा है। अरे कुशवाहा जी नमस्ते। मार्केट संवाद देखते हैं आप? बिल्कुल देखता हूँ। ये कौन सा इलाका है बताइए? ये आपका ये सिमरदा बंदर लगता है। सिमरदा बंदर, न्यू पाल कॉलोनी। न्यू पाल कॉलोनी। अच्छा, तो यहाँ कोई उत्सव वगैरह हो रहा है? नहीं, ये हमारे भांजे की शादी थी। अच्छा, ये क्या बात है जी, खुशी का माहौल है साहब आपके लिए। ये देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे भी हैं, सभी लोग हैं। अभी यहाँ विदा होके आई ही हुई है। चलिए साहब, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। चलिए साहब, यहाँ भी हमारे कुशवाहा जी मिल गए हैं। यहाँ तक मार्केट संवाद आपको नज़र आता है, हमें तो बड़ा खुद आश्चर्य होता है और हम आपके उस प्यार से बहुत अभिभूत हो जाते हैं कि दूर दूर कोने तक भी कोई ना कोई मार्केट संवाद को चाहने वाला मिल जाता है। शहर से दूर इस ग्रामीण परिवेश में आपको कोई लेकर नहीं आता है और इसीलिए हम इतनी दूर दूर तक जाते हैं, प्रयास करते हैं कि आपको शहर से दूर के इलाके दिखा सकें और आप भी उसका एहसास कर सकें कि शहर के बाहर गांव की ज़िंदगी कैसी होती है और जो शहर में अब गांव मिलते जा रहे हैं उनका कैसा नज़ारा दिखाई देता है। यह रिपोर्ट थोड़ी लंबी है, वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर आपको लगेगा, लेकिन जब आप इसे देखेंगे तो बहुत पसंद करेंगे, ऐसा मेरा अपना मानना है। क्योंकि ऐसे नज़ारे आपको घर बैठे नहीं दिखे जा सकते हैं, जहां खेत भी दिखाई दे, बिल्डिंगें भी दिखाई दे और पीछे जो आप देख रहे हैं वो पहुँच बांध है, हम उसको भी आपको हल्का सा दिखाते, इसी वजह से इसका नाम बंदा इलाका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी खूबसूरत मकानों की कोई आपको कमी नहीं होगी। निर्माणाधीन मकान भी नज़र आए हैं, खेत भी नज़र आए, खपरेल वाले मकान भी दिखाए और आखिर में आप जो झांसी का पहुँच बंधा है उसके भी आप एक झलक देख लीजिएगा। चलिए आप इस इलाके के साथ में पहुँच सिमरदा बांध भी देख लीजिएगा, हम आपको दिखा देते हैं ये गांव देहात की और शहर की मिश्रण भरी ज़िंदगी के बीच ये सिमरदा पहुँच बांध का आप खूबसूरत लुक देखिएगा। इतना विशाल है ये कि इसके आप दूर से ही आप देखेंगे तो पीछे आपको पहाड़े समय कोहरे की वजह से दिखाई नहीं देगा। खूबसूरत झांसी का सबसे बड़ा बांध जिसे सिमरदा पहुँच नदी का बांध कहते हैं, पहुँच नदी इसमें आकर मिलती है और यह सिमरदा बांध है। यहाँ पर अभी नाव भी हम आपको चलती दिखाते हैं, इसमें नाव भी चल रही है, ये देख सकते हैं आप, ये नाव जा रही है, नौकायन भी इसमें अभी फ़िलहाल किया जा रहा है। तो यह खूबसूरत बांध जिसे सिमरदा बांध कहते हैं और इसके साथ ही यह गांव का खूबसूरत नज़ारा। तो आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए और देखते रहिए मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।